हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि व्हाट यू शुड नो, क्या आपको पता होना चाहिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। हम टैरो से देखेंगे, ओरेकल से भी देखेंगे, गाइडेंस भी लेंगे, एंजल आंसर्स भी लेंगे। पहले ही निकाल दूँ मैं एंजल आंसर्स, वरना हमेशा भूल जाती हूँ। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी सिचुएशन से आपकी नज़रों से गुजरेगी, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड नो। ठीक है, आज सारे डे क्यों ही लगा देती हूँ, जो जो यूज़ करूँगी, क्या आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए व्हाट यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो। चलें जी, उल्टे तो नहीं पकड़े, हाँ उल्टे पकड़े थे, स्लिपरी डेक है ये। व्हाट यू शुड नो, फुलफिलमेंट, मेमोरीज, अचीवमेंट, सेवन ऑफ जेम्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, ऑलराइट। भाई सबसे खूबसूरत बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए दैट यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल्स। ठीक है, कुछ वक्त के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपने शायद अपने आप को भुला दिया था, अपने आप को खो दिया था, और आप किसी के इंतज़ार में, किसी मसले के हल में, किसी फेस के कम्प्लीशन में आपने बहुत वक्त लगा दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपका पेशेंस, आपने शायद इंटेंशनली नहीं, डिलिब्रेटली नहीं, आपने बस ऐसे ही इस पूरे माहौल को, इस पूरे वक्त को वक्त दिया। और इस दौरान ये हुआ कि आप बहुत सक्सेसफुल शायद होते चले गए, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिकॉज आपका सक्सेस जो था वो कभी भी एम और गोल नहीं था। आप लोग मुझे यहाँ पर बहुत पास्ट में रहते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए वो ये कि आपकी लाइफ अब बदल चुकी है। आपको अपनी लाइफ को पलट कर देखना चाहिए कि आप कहाँ थे और आप कहाँ आ गए हैं। इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ बन चुके हैं, यानी लिटरली वो कुछ अचीव कर चुके हैं, वो उस गोल को, उस पोजीशन को हासिल कर चुके हैं अपने पेशेंस की वजह से, अपने उस पास की वजह से जिसने आज उनको ऐसा बनाया है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अपनी इननेट पोटेंशियल्स, अपनी हिडन पोटेंशियल्स और अपनी डे टू डे छोटी छोटी सी अचीवमेंट का पता होना चाहिए। आप शायद अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करते, आज आप शायद अपने आप को अवॉर्ड भी नहीं करते, आप खुद भी समझते हैं कि मैं शायद हूँ ही इस वजह से कि मुझे बस सब कुछ करना है, सब कुछ झेलना है, सब कुछ, बट These days what I can see, what you should know, this is your time. आपका टाइम चल रहा है, आप literally अपने आप को वैल्यू करें, आप डिज़र्व करते हैं, आप पास्ट में से निकल चुके हैं, आप इस वक्त बिल्कुल सेटल्ड हैं, बट शायद आप अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि नहीं, क्या ये कोई लाइफ है, ये मसरूफियत कोई ज़िंदगी है? ओ भाई, मसरूफियत ही तो आजकल ज़िंदगी है, वरना फरागत तो आजकल सेल पे मिल रही है। ठीक है, टू ऑफ जेम्स, प्रायोरिटीज़, गुड, ये बहुत अच्छी बात आई है। सेवन ऑफ क्लाउड्स,
सेक्रेसिटी मेंटली, ठीक है, मेंटालिटी, हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, एंड मास्टर ऑफ रेनड्रॉप्स यानी किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। देखें सबसे अहम बात, आप की लाइफ में इतने मसले नहीं हैं जितने आप अपनी ज़िंदगी में मसले समझते हैं। दूसरे लोग आपकी लाइफ में मसले हर वक्त क्रिएट किए हुए होते हैं, वरना आप बहुत ही सेल्फलेस आदमी हैं, ठीक है। आप जितना अर्न करते हैं उतना आप अपने ऊपर लगाते ही नहीं हैं जितना आप बांट देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी बात है, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया हुआ है। आप कोई फजूल खर्ची नहीं चाहते, आप कोई फजूल एक्सपेंसेस नहीं चाहते, आप बहुत संभले हुए हैं इस मामले में, और ये आपको समझना भी चाहिए। यानी एक तरीके से ये आपके लिए एडवाइस है। आप अपने आप से गाफिल हुए हुए हैं, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस पर यकीन होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। लोग आपको उल्लू भी बना लेते होंगे। आप बहुत ही सेल्फलेस, जो बात मैंने कही है वो इस वजह से, क्योंकि लोग आपके सामने अपने इतने सारे रायते फैलाते हैं कि आप कहते हैं यार चलो इसके तीन मैं ही ठीक कर दूं। तो आपके पास इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास इस वक्त बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आप कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बात समझनी चाहिए या जो आपको बात जाननी चाहिए, आप बहुत संभल संभल कर चलें। देखिए किसी की मदद करना चाहते हैं आप, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये ज़रूर चेक करें कि क्या इनकी मदद करना ही ठीक है, या इनको इनके लिए कुछ ऐसा कर देना कि इनको फिर कभी किसी की मदद करने की मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ आपको समझने की और जानने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेंस भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे आजकल लोन मांगा हो, तो आपने हकीकतन उनके लोन मांगने के तरीके को पकड़ लिया कि ये आपसे आपके साथ गेम कर रहे हैं। आपने उस सिचुएशन को डील भी कर लिया, और थोड़े दिनों में वो चीज़ आपके सामने आ भी गई कि इन्होंने जितनी भी कहानियाँ की थी वो सब गलत थी, असल में इनको इन शॉर्ट लोन ही चाहिए था। तो यानी कि आपको समझना चाहिए, व्हाट यू शुड नो, यू शुड लर्न हाउ टू मैन्युपुलेट, हाउ टू प्ले विथ पीपल्स डिबेट, ठीक है। लोग आपको इमोशनल फूल बहुत बनाने की कोशिश करते हैं, लोग आपके सॉफ्ट कॉर्नर को बहुत मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे रमज़ान आने वाला है, तो शायद लोगों को पता है कि आप चैरिटी करते हैं, आप बहुत खुले दिल से सब कुछ करते हैं, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल डटे हुए हैं कि इस वक्त मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि सही मायनों में राइट वे में चैरिटी हो। यानी जो हट्टे कट्टे हैं उनको कुछ देने के बजाय, इट्स बेटर यू शुड डू समथिंग जो कि मल्टीप्लाई हो। यानी अगर नेकी भी हो तो वो मल्टीप्लाई हो। अभी आपसे आजकल किसी ने कुछ अप्रोच किया होगा, किसी ने आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस बताए होंगे। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपनी यूजेज को प्रॉपर वे में, अपनी एबिलिटी को प्रॉपर वे में आपको चैनलाइज करने की, यानी वाली बात है ना कि उल्लू ना बने, सिंपल सवर्ड्स, उल्लू ना बने, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या और पता होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो। मुझे इस वक्त आप माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बद से बचाए खुदा ताला की ज़ात आपको। आप मुझे इस वक्त बहुत स्टेबल पोजिशन में, बहुत फुलफिल्ड, बहुत, यानी आपको ख़ुद भी शायद महसूस हो रहा होगा कि आप इस वक्त काम हैं, आप उलझन में नहीं हैं, आप खामोश ज़रूर हैं, आपका दिल भर बहुत रहा होगा, आपको आपके आंसू भी निकल रहे होंगे, बट आप सुकून में हैं, आप परेशानी में नहीं हैं, आप उलझन में नहीं हैं। आपका दिल भरा हुआ ज़रूर है, लेकिन दिल भारी नहीं है। भरा हुआ होना और भारी होना, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। बोझ नहीं है आपके हार्ट, आपके दिल पे कोई, हार्ट पे कोई ईगो, वैनिटी, प्राइड, सेल्फ केयर। देखिए प्रायोरिटी की बात आई है, गिल्ट, सेबोटाज, कंफ्यूजन, इल्यूजन्स,
मेरे ख्याल में तो आप जिसको जिस तरह का भी जवाब दे रहे हैं, आपको कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा कि आप उसका काम ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको कोई उल्लू नहीं बना पा रहा। ये शायद आप जान नहीं पा रहे हैं, लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर बहुत रहे हैं, जैसे मैंने वो लोन वाली एग्जांपल दी है, लेकिन आप शायद अपनी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी की वजह से और एबिलिटी की वजह से उस चीज़ को डील ही ऐसे कर रहे हैं कि अगला कह रहा है भाई यार इसको तो देखो कैसे अकल आई है इसको, क्योंकि वो आपको उल्लू नहीं बना पा रहे। ठीक है, इस वक्त प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना ख्याल रखें। वॉट यू शुड नो में यू नीड टू, किसी का भी शिट मत उठाइए। कोई अगर आपको सेबोटाज करने की कोशिश करके वनरेबल बना रहा है और आपको फील करा रहा है कि तुम्हें गिल्टी फील होना चाहिए, डोंट डू दैट। लीव दैट एनर्जी, लीव दैट सर्कल, लीव दोज पीपल, लीव दैट ग्रुप जो आपको आपके वजूद आपकी एग्जिस्टेंस में होते हुए भी आपको गलत फील करवाए, छोड़ दें। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, कोई एनर्जी ऐसी ज़रूर है जो जिसकी ईगो ट्रिगर हो रही है आपकी वजह से। आप उसके मद्दे मुकाबिल हैं, आप अपना जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं वो उसको ट्रिगर कर रहा है। कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज इसकी वजह से आप अपना ख्याल रखना नहीं छोड़िएगा। ये कोई विक्टम प्ले करने वाले लोग भी हो सकते हैं, एक विक्टम मेंटालिटी भी हो सकती है कि बिला वजह में पीपी घुस पड़े की तरह आपकी लाइफ में आए और बोले कि नहीं तुम्हें तो ये पड़ी है, वो पड़ी है, फलाट पड़ा है, ढमक पड़ा है। अपने ड्रीम्स को आजकल बहुत नोटिस कीजिएगा और अपने ड्रीम्स में आपको जो मैसेजेस मिले, मुझे लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स हयात नहीं हैं तो उनके आपको ख्वाब आ सकते हैं, दे मस्ट बी प्रेइंग फॉर यू। और किसी भी फॉर्म में आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करेंगे, आप अपने ख्वाबों को, स्पेशली जो सुबह सादिक का वक्त होता है यानी फजर का वक्त, जब बिल्कुल सूरज की पॉप उठने वाली जो पहला वक्त हो जाए, उस वक्त अपने ड्रीम्स जो आपको आएँ वो बहुत ही रियलिटी पे बेस्ड होते हैं, उन ड्रीम्स से बहुत ज़्यादा नज़र रखें कि आपको किस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स यू शुड नो, और आपको क्या पता होना चाहिए। बेचारा मेरा बुक मार्क्स जो है वो फेथ, देखें कितना अच्छा वर्ड आया है, यकीन रखना। लेट्स सी व्हाट एल्स यू शुड नो। सॉरी जी, कॉल आ गई थी और मैंने ये कार्ड पहले निकाल लिया था, मतलब मैं शफलिंग कर रही थी और बीच में कॉल आ गई थी, आई एम सो सॉरी। व्हाट एल्स यू शुड नो, किसी की बैड हेल्थ का आपको पता चलेगा, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा हो। और इसके अलावा 31st ऑफ दिस मंथ देर माइट बी एनी न्यूज़ विच यू विल रिसीव। अगर आपको किसी की तबीयत के मुताबिक पता चले कि कोई डाउन है, मिलने ज़रूर जाएं और मौका हाथ से ना गंवाएं तीमारदारी का, खिदमत का, बट हो सकता है कि आप किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा रिसीव करते हो जिसकी वजह से आपकी खुद हेल्थ अफेक्ट हो रही हो, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आप किसी को नर्सिंग कर रहे हो और ये आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिले। प्रिविलेज लेडी, ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। इम्प्रिजनमेंट, ऑक्यूपेशन, कॉफिन, मैसेज ऑफ कंसर्न। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। शायद आप किसी आपको पता होना चाहिए कि समबडी इज़ स्ट्रगलिंग विद द हेल्थ। ठीक है, एट द मोमेंट दे डोंट वॉन्ट यू टू बी विद देम, अभी वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर आपको उनकी तबीयत के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा पता चला तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनकी तरफ आ जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्ट। लेकिन इस वक्त आपके हालात ऐसे हैं कि आप किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते, ड्यू टू योर जॉब और ड्यू टू योर करियर, बट दैट्स अप टू योर चॉइस दैट वॉट इज़ मोस्ट प्रायोरिटी, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी अपनी लाइफ में क्या है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन आपको किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई बुरी खबर मिल सकती है। इट इज़ गोइंग टू बी अ मैसेज ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल, कोई ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है और आपको अचानक से उसका पता चले। आपके वर्क प्लेस पर आपको अपने किसी बड़े क्लोज कुलीग की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसकी फैमिली में ऐसा कुछ हो गया। आप अपनी फील्ड में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने न्यूली एंटर किया है, फिर कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इमोशनली अलर्ट रहें कि आप कुछ
आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसी न्यूज़ आप इस वक्त रिसीव करने की पोजीशन में हैं। तो ध्यान करने की ज़रूरत है, ख्याल करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं किया जाता सिवाय इसके कि अगर आपको वाकई, क्योंकि इस पूरे 6 के 6 कार्ड्स में दो बातें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, दे आर वेरी क्लोज टू यू, दे लव यू अलॉट, दे डोंट वॉन्ट यू टू बी इन ट्रबल विद इन देयर प्रेजेंस और आफ्टर देयर प्रेजेंस और आफ्टर देयर लाइफ, बट दिस इज़ समथिंग फेटेड, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ रही है, और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या है। आपकी वॉट यू शुड नो, आपके सॉफ्ट स्किल्स की तरफ, आपकी लाइफ की तरफ देख लेते हैं। लेट्स सी, वॉट यू शुड नो, हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शन नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। देखिए लेन देन वाली बात है, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं करें, दिस यू शुड नो। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव मैसेज, लव मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट। किसी से आपकी मीटिंग एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, हो सकता है ये जो सिचुएशन हो, इस सिनेरियो में आपको कोई प्रपोजल सेट हो रहा हो। ठीक है, क्यूपिड्स आए, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। कोई पास में से भी आ सकता है और कोई नया न्यू इन्विटेशन भी आ सकता है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए प्रपोजल भी आ सकता है, कोई सरप्राइज मीटिंग हो सकती है, हेजिटेट, कॉफिन और कॉफिन। एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। ठीक है, कुछ नया भी हो रहा है, कुछ पुराना भी हो रहा है, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है और कुछ नया जो है आपकी लाइफ में होने वाला है। मे बी आप पुरानी मेमोरीज़ को ख़त्म कर दें और न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, बट येस, कॉफिन कॉफिन दो दफ़ा आ गया है, तो देर इज़ अ बिग बिग चांस दैट मे बी ये कोई प्रैक्टिकल वे में या कोई कॉन्क्रीट वे में, या आप किसी का फ्यूनरल अटेंड करें, गॉड फॉरबिड, और अगर फ्यूनरल ना हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी न्यूज़ भी मिलेगी। अदरवाइज ये फेज़ आपकी लाइफ में नियर टू एंड है और नई बिगनिंग जो है वो होने वाली है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स टेक एंजल आंसर्स फॉर यू। कीप ऑन थिंकिंग, आपके लिए एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं। मेरी औलाद जो है वो मेरे सर पे आके ऐसे खड़ी होगी जैसे मैं सही बता रही हूँ या नहीं बता रही। चलें जी, कार्ड्स उल्टे हो गए हैं। एंजल आंसर्स और एंजल एडवाइस भी आपके लिए ले लेते हैं कि व्हाट यू शुड नो। ठीक है, अनलाइकली, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आपने शायद सोचा ही ना हो, आप चाह ही नहीं रहे हैं कि ये हो। देखें, ज़िंदगी और मौत का कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो रेडी रहिए किसी भी न्यूज़ के लिए। ठीक है, अदर देन दैट, कॉम्प्रोमाइज़, मे बी ये सिचुएशन आपसे कोई मेगा कॉम्प्रोमाइज़ मांगे, आपको करियर में और अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़े, देखना पड़े कि क्या करना है, क्या चूज़ करना चाहिए। कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा करने की आपसे डिमांड की जा रही हो जो आप चाहते ना हो। ट्रस्ट, यू नीड टू हैव फेथ ऑन दिस सिचुएशन कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, लेट मी शट द डोर, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी जी। तो ट्रस्ट रखिए, जिस भी तरह की सिचुएशन है आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड नो की का टाइटल है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। अगर आपसे मेगा कॉम्प्रोमाइज़ मांग भी रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, बट इट्स अगेन अप टू यू। आप इसको प्रायोरिटी देते हैं, आप गार्डेड हैं, ये गार्डेड का कार्ड सेकेंड टाइम आया है, आप देख सकते हैं कि आप गार्डेड हैं, एंड दिस विल हैपन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, ये चीज़ें वो तमाम हैं जो आपको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वॉट यू शुड नो में ये तमाम चीज़ें रिवील होकर सामने आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ, आई कैन नॉट सी दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बट ये मुझे आपकी सोशल लाइफ बहुत रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो यू नीड टू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योर लव्ड वंस, मेक वाइज डिसीजन। अच्छी एनर्जी में आप हैं,
इंट्यूशंस पे अपनी बिलीफ रखिए जो आपको सराउंडिंग्स में नज़र आ रहा है। विक्टम मत बनिए, मैन्युपुलेशन का शिकार मत बनिए, खुद मैन्युपुलेशन कीजिए, चीज़ों को हैंडल कीजिए। और अगर किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न हो, ओवर इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल वे में उसको डील करें, एंड दीज ऑल आर दी आंसर्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।